हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसी टेक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप लोग अपने स्नैपचैट में कोई भी फ्रेंड अगर आपका डिलीट हो गया तो आप लोग उसको दोबारा से कैसे सर्च कर सकते हो। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ से अपना स्नैपचैट ओपन कर लेना है सबसे पहले तो, और यह कि मैंने यहाँ पे अपना स्नैपचैट ओपन कर लिया है। अब मुझे कोई फ्रेंड को देख लेना है यहाँ पे। जैसे कि कोई फ्रेंड मेरा डिलीट हो गया है यहाँ पे मान लीजिए, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। यहाँ तो आपको उसका नाम पता है अगर, तो आप लोग उसको सर्च कर सकते हो और यहाँ पे डाल के, और जैसे कि मैं यहाँ पे प्रतीक ठीक है, तो यहाँ पे प्रतीक आ गया। अब मान लीजिए वो फ्रेंड का फ़ोन नंबर आपके पास सेव होगा तो आपको सबसे ऊपर सजेशन में वही फ्रेंड आएगा। जैसे कि यहाँ पे मेरा ये फ्रेंड डिलीट हो गया था मुझसे, राजकोट प्रतीक ठीक है, इसका नंबर मेरे फ़ोन में सेव था। तो मैं जब दोबारा से सर्च किया मैंने, तो यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप में आ गया, जबकि मुझे इसका पूरा नाम प्रोफाइल वगैरह का नाम नहीं मालूम था, लेकिन फिर भी जब मैंने खाली नाम डाला तो नंबर सेव होने की वजह से मेरे पास ये नाम दिख गया। लेकिन अगर आपको किसी का नाम या प्रोफाइल आईडी नहीं मालूम है और ना ही आपके पास उसका नंबर सेव है, तो अब आपसे वो डिलीट हो गया है तो आपको यहाँ पे शो नहीं होगा इजीली। तो आपको किसी ना किसी तरीके से उससे आपकी उसकी प्रोफाइल लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे चैट भी डिलीट हो जाती है कोई फ्रेंड अगर आपका डिलीट हो गया तो आपको पर्सनली उससे खुद से उसकी प्रोफाइल मांगनी पड़ेगी, तब जाके आप लोग उस पर्सन से बात कर सकते हो या ऐड कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको उसकी प्रोफाइल पता होनी चाहिए। तो बस सिंपली इस तरीके से आप लोग यहाँ पे स्नैपचैट में डिलीट फ्रेंड को वापस पा सकते हो।